हेलो गाइस। तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, आज हमारा जो अंजीर का पेड़ है ना, जो बिल्कुल छोटा सा पौधा, उस पर एक बड़ी सारी अंजीर लगी है। तो पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ, धीरे 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 वो बड़ी होती जा रही है और आज मुझे लगता है पूरी तरह से पक चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पेड़, छोटा सा पेड़ है लेकिन उस पर काफ़ी बड़ी अंजीर लगी है भाई। देखो गाइस, एक तो हमारा ये अंजीर का पौधा है, लगभग इसको लगाए हुए 1 साल हो गया और इस पर अभी वैसे कुछ भी नहीं लगा। और उसके साथ में ही एक और है अंजीर, ये देखो भाई, बिल्कुल छोटा सा पौधा है, ठीक है। और इस पर ये देखो अंजीर लगी पड़ी है, सिर्फ एक अंजीर लगी और काफ़ी बड़ा साइज है इस अंजीर का और लग रहा है पूरी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्टनेस आ चुकी है। तो मैं आज इसको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो ये फल गल ही जाए। सब्र का फल मीठा तो होता है पर ज़्यादा करोगे तो गल जाएगा। तो भाई आज मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो भाई तोड़ लिया मैंने अब, और अभी थोड़ी देर बाद इसको खा के देखेंगे, पहले घर लेके जाएंगे, सबको दिखाएंगे और उसके बाद भाई इसको खाएंगे। तो भाई जब पौधों पे फल लगता है बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं आगे, जैसे अमरूद का भी है तो इस पे भी अमरूद लगने जा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे और इस पे फल लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखो गाइस, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ मैंने लगा लिया, जब फल लगेगा तभी पता लगेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं घर और जाकर इसका करते हैं पोस्टमार्टम। और ये देखो गाइस मम्मी क्या तोड़ रही है, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। अरे कच्ची कच्ची सोनी है। अच्छा ग्वार फली तोड़न लग रही है। गाइस तो मम्मी तोड़े जा रही है ग्वार फलियाँ, तो आज ग्वार फली की सब्जी मिलने वाली है खाने के लिए। ये भी अच्छी बात है, कच्ची कच्ची ग्वार फलियाँ, क्योंकि बाज़ार में जाए तो सारी तरह के मिक्स मिलेंगी और यहाँ पे जो मर्जी तोड़ो। तो आज खाएंगे ग्वार फली की सब्जी। तो गाइस चलते हैं अब घर। तो गाइस अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ इस अंजीर को। तो भाई देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है ये। इट्स सो डिलीशियस।